गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे सीएसएस बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो क्या होता है? इट इज यूज्ड टू अटैच वन और शैडोस टू एन एलिमेंट। अगर हम कोई भी बॉक्स यूज करते हैं, बॉक्स के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, तो बॉक्स के चारों ओर क्या होता है, एक शैडो आता है, तो शैडो एक डिस्प्ले होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सीएसएस बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी यूज करना है। शैडो प्रॉपर्टी में हम यूज करते हैं तो कैसे यूज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सिंटैक्स लिखते हैं बॉक्स शैडो। आइदर हम नॉन यूज करेंगे तो शैडो प्रॉपर्टी डिस्प्ले नहीं होगा। उसके बाद अगर डिस्प्ले करेंगे शैडो को तो हमें क्या देना है, एच ऑफसेट, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, वर्टिकल ऑफसेट वैल्यू देना है, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट वैल्यू देना है। उसके बाद ब्लर करेंगे कि नहीं, स्प्रेड करेंगे कि नहीं, उसके बाद कलर दे सकते हैं। इस सारे ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर, सीएसएस बॉक्स शैडो के अंदर। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है बॉक्स शैडो 5 पिक्सल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट मैंने दिया, वर्टिकल ऑफसेट को 10 पिक्सल दिया, उसके बाद मैंने रेड कलर यूज किया। तो ये क्या होता, ये आपका एक बॉक्स शैडो होके आ जाएगा। अब हम लोग प्रैक्टिकल पे देखते हैं कैसे एक बॉक्स शैडो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरा क्या है, मैंने एक यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनाया जिसका टाइटल मैंने दिया है बॉक्स शैडो। तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक डिविजन बनाऊ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डिप टैग यूज किया, इस डिप टैग के अंदर मैं लिख रहा हूँ दिस इज ये बॉक्स शैडो। इसको मैंने कॉपी कर दिया, इधर भी और एक डिवीजन बनाया। तो अभी मैं चाहता हूँ दोनों डिवीजन जो बनाया है इसको मैं स्टाइल करूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, स्टाइल टैग यूज करना है। तो स्टाइल टैग यूज करने के बाद यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक आईडी बना रहा हूँ जिसका नाम मैं दे रहा हूँ डिव वन। सो डिव वन के अंदर मैं बना रहा हूँ बॉर्डर। बॉर्डर को क्या बनाऊंगा, मैंने उसका पिक्सल दे दिया 1 पिक्सल। उसके बाद मैं सॉलिड बना रहा हूँ उसको, उसका स्टाइल। उसके बाद पैडिंग भी मैं यूज कर रहा हूँ, पैडिंग को 10 पिक्सल। उसके बाद मैं बॉक्स शैडो बना रहा हूँ, जैसे बॉक्स शैडो पर मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ उसका 5 पिक्सल। उसके बाद मैंने यूज किया 10 पिक्सल, और मैंने पहले यूज किया हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, मैंने यूज किया 5 पिक्सल। उसके बाद वर्टिकल ऑफसेट मैंने यूज किया, ऑफसेट यूज किया मैंने 10 पिक्सल। उसके बाद उसका कलर को मैं दे रहा हूँ, जैसे कि रेड कलर डिफाइन किया। उसके बाद मैंने क्लोज कर दिया। नेक्स्ट आईडी बना रहा हूँ डिव टू। तो मैं चाहता हूं कि उसका बॉर्डर वही 1 पिक्सल। उसके बाद मैं चाहता हूं कि उसका सॉलिड भी हो। उसके बाद उसका पैडिंग मैंने यूज किया 10 पिक्सल। उसके बाद वही बॉक्स शैडो यूज कर रहा हूं मैं, बॉक्स शैडो यहां पर भी वही 5 पिक्सल। उसके बाद 10 पिक्सल। उसके बाद मैं चाहता हूं उसका कलर आए ब्लू में। और मैं चाहता हूं कि नीचे मेरा और एक आईडी में यूज कर रहा हूं, जैसे कि डिव 3 करके। मैं चाहता हूं यहां पर मेरा मल्टीपल शैडो आए, तो इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं बॉर्डर भाई 1 पिक्सल यूज कर रहा हूं, 1 पिक्सल। उसके बाद सॉलिड, उसके बाद पैडिंग भी यूज कर रहा हूं वही मैं, जैसे कि 10 पिक्सल मैंने यूज किया पैडिंग। उसके बाद यहां पर मैं जो बॉक्स शैडो बना रहा हूं, देखिए यहाँ पर मैं चाहता हूँ मल्टीपल हो, तो पहला वाला को मैंने दिया 5 पिक्सल। उसके बाद उसको मैंने ब्लू कलर दिया। उसके बाद तो सेकेंड में यूज करूंगा, सेकेंड को मैं क्या यूज कर रहा हूँ, जैसे कि उसके बाद मैंने दिया उसको ज्यादा आएगा तो 10 पिक्सल, उसके बाद भी 10 पिक्सल। मैं चाहता हूँ कि वो बने रेड कलर का। तो और थर्ड वन मैं बना रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा बना रहा हूँ उससे 15 पिक्सल, वो भी 15 पिक्सल। उसके बाद मैं चाहता हूं कि उसका कलर जो आए वो ग्रीन में आए। तो अभी मैंने क्लोज कर दिया। तो यहां पर मैं नीचे और एक पैराग्राफ को कॉपी कर रहा हूँ, डिव टैग को कॉपी करके मैं यहाँ पर डिव टैग को लिख दिया, सॉरी
तो उसके बाद मैं यहाँ पर यूज करूंगा दिस वन इज योर आईडी। पहला आईडी मेरा था डिव वन, मैंने डिव वन यूज कर दिया। उसके बाद मेरा आईडी था, सेकंड आईडी मैंने बनाया था डिव टू, सो मैंने डिव टू यूज किया। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरा थर्ड आईडी में यूज करूँ डिव थ्री, जैसे कि उसका नाम था मैंने यूज किया। तो अभी हम लोग देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो देखिए इधर मेरा पहला जो डिप बनाया डिस बॉक्स शैडो, यहाँ पर मैं एक लाइन ब्रेक भी यूज कर देता हूँ, तो इसके लिए मुझे थोड़ा गैप मिल जाएगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, यहां पेस्ट कर दिया। उसके बाद इधर अभी देखते हैं इसको प्रैक्टिकल। तो देखिए पहला मेरा जो बना है पहला डिप, डिप में क्या हुआ डिस इज बॉक्स शैडो सिंगल, उसका मैंने शैडो कलर दिया था, जैसे कि यहाँ पर रेड है, यहाँ पर मैंने ब्लू दिया था ब्लू आया, यहाँ पर मल्टी कलर में आया। देखिए पहले मैंने यहाँ पर क्या यूज किया था, पहले यहाँ पर मैंने यूज किया था ब्लू, उसके बाद रेड, उसके बाद ग्रीन। तो यहाँ पर देखिए ब्लू रेड और ग्रीन तीनों कलर का है, लेकिन यहाँ पर ओनली ब्लू कलर का है, यहाँ पर का रेड कलर आया, क्योंकि मैंने जो पहला बनाया था डीप क्लास डीप आईडी में, डीप आईडी में मैंने क्या बनाया था पहला बॉर्डर को वन पिक्सल सॉलिड बनाया था। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको सॉलिड को चेंज करके मैं यहाँ पर ग्रुप कर दू, सो यहाँ पर अभी प्रैक्टिकल देखिए यहाँ पर ग्रुप आ गया, ये हो गया आपका पहला। ये सेकंड, सेकंड में मैंने क्या बनाया था, सेकंड आईडी में मैंने दिया था वही ब्लू कलर दिया था और थर्ड में मल्टी था। तो यहाँ पर ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये रेड में है, ये ब्लू में है और ये आपका मल्टी कलर में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं सीएसएस बॉक्स साइजिंग।